आज ये जो सड़क दुर्घटना हुई है एटा साहबर मार्ग पर, क्या मामला है? ये मतलब बाजार से आ रही थी दवा लेकर के कहीं, और रास्ते में एसबीर और इसका भाई वहाँ पे बैठो ट्रैक्टर पे एसबी चला रहा था, और उधर से हमारा लला और लली जो है वहाँ से आ रहे खेत पे से, उन्होंने देखा तो दो बार उन्होंने आगे पीछे, पहले आगे लगाया फिर पीछे ना मारी तो दोबारा फिर दिया। अच्छा, आप लोगों के बीच में कोई रंजिश है क्या? हाँ, रंजिश मानता था। किस बात की रंजिश है? वो उसका बाप मेरे साथ शराब पी के खत्म हो गया था, उसने सोचा कि इन्हें मार दिया। अच्छा, तो आपकी बेटी से और आपकी पत्नी से रंजिश क्या है? बेटी का भी मुकदमा चल रहा था उस पर। किस चीज का? 376 का। इसका मतलब आपकी बेटी जो है बलात्कार की पीड़िता है। ये थाना अमापुर क्षेत्र में गांव पड़ता है भयपुरा, जहाँ पर कल रात की बात है जब एक यशवीर नाम का व्यक्ति है और उसका एक भाई का भी नाम उसमें बताया गया है, इसके द्वारा ट्रैक्टर से दो व्यक्तियों को कुचला गया, जिसमें एक महिला और एक लड़की है। इसमें दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके घर वालों की तरफ से तहरीर लेके मुकदमा दर्ज कराया है। घर वालों का ये आरोप है कि ये उस व्यक्ति ने जो कुचला है ये जानबूझकर कुचला है, और उनके तहरीर के आधार पर मर्डर का ही मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे घटना की पार्श्वभूमि जब देखी गई तो ये पता चला है कि 2016 में जो अभी के केस में अभियुक्त पक्ष है उसके द्वारा जो व्यक्तियों को कुचला गया उनके घर वालों के खिलाफ एक 302 का मुकदमा 2016 में लिखा गया था, जिसमें इस घर के 2-3 लोग जेल गए थे। उसके कुछ दिनों बाद जो विक्टिम पक्ष है, वादी पक्ष है, उनके घर वालों की तरफ से एक 363 का अपहरण का मुकदमा इस व्यक्ति के खिलाफ लिखा गया था और 2-3 लोग के खिलाफ लिखा गया था, जिसमें लड़की को बरामद करने के बाद में उन 3 लोगों को जेल भेजा गया था और उनके खिलाफ भी चार्जशीट लगी थी। ये दोनों ही घटनाएं 2016 की है, जिसमें दोनों परिवारों ने एक दूसरों के खिलाफ, एक परिवार ने 302 और एक परिवार ने 363, ऐसे दो मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ लिखाए थे। कल की ये घटना है जिसमें यशवीर ने दो लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देने की बात सामने आई है, मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। हमारे द्वारा घटनास्थल का विजिट किया गया है और 4 टीमें हमने इसमें बनाई है, जिसमें सर्विलांस इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा है उसको भी देख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करें।